Children, in the previous section, we have learned about the tools of recombinant DNA and about cloning vectors. So, हमने अभी तक जो भी recombinant DNA technology के बारे में पढ़ा, it was that कि how recombinants can be made. But when recombinants are formed, they have to be transferred into host. ठीक है, host में हमें डालना है क्योंकि हमारा motive क्या है? We have to मेक द होस्ट, वो इस तरह का होस्ट बनाना है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को या हम जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुल उसमें ट्रांसफर हो जाए. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना है, मतलब होस्ट इजिली एक्सेप्ट कर ले जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको. ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं व्हाट इज कॉम्पिटेंट होस्ट एंड हाउ इट इज मेड. तो बच्चों बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 200. ठीक है, तो व्हाई वी आर मेकिंग कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं. तो कॉम्पिटेंट होस्ट, वी कैन मेक थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स एज अ कॉम्पिटेंट होस्ट. एक तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को भी कॉम्पिटेंट होस्ट बना सकते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया. ठीक है, दिस कैन बी मेड कॉम्पिटेंट होस्ट. या फिर यूकैरियोटिक सेल्स को भी हम कॉम्पिटेंट होस्ट बना सकते हैं. एंड दीज यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्लांट और एनिमल, इट में भी प्लांट सेल और इट में भी एनिमल सेल. ठीक है, वॉट एवर इज द होस्ट, हम इनमें से किसी को भी बना सकते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग, क्या करना है हमें, देखो जो डीएनए है, डीएनए इज ऑल्सो अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, और जो जितने भी सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वी कैन से कि डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक. कैसा कंपाउंड है? हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है. वेयर एज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज हाइड्रोफोबिक. तो ये दोनों आपस में, दैट मीन्स डीएनए विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमें इन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है. मींस कि वी कैन इजीली ट्रांसफर द डीएनए इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दीज सेल्स. तो या तो हमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रीट दीज सेल्स विद द डाइवेलेंट कैटायंस. ठीक है, डाइवेलेंट कैटायंस के साथ हमें इनको ट्रीट करना पड़ेगा. एंड दैट डाइवेलेंट कैटायन में भी कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम आयन्स के साथ हम इनको ट्रीट करेंगे. नाउ ट्रीट करने का भी डिफरेंट वेज होंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होगा, व्हेन वी विल पुट इट इनटू दिस डाइवेलेंट कैटायन, इसकी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी. मीन्स द सेल मेम्ब्रेन विल अलाउ DNA to enter into it. तो इससे ये वीक हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल बिकम परमिएबल सो दैट द DNA कैन एंटर इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इसके अलावा व्हाट वी हैव टू डू, तो व्हेन वी ट्रीट इट विद द कैल्शियम आयन देन वी पुट दीज सेल्स इनटू ऑन द आइस. सबसे पहले हम इसको आइस में रखेंगे. ठीक है, विल पुट द सेल्स ऑन द आइस, देन वी विल ट्रीट इट विद द हीट. अब इसको हीट शॉक देंगे, अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस की हीट हम इसको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, पहले आइस पे रखा, फिर हीट पे रखा, देन अगेन वी विल पुट इनटू द आइस. तो इस तरह से आइस, मतलब बहुत कोल्ड और बहुत हॉट करने से क्या होगा, इट विल बिकम वीक एंड द सेल्स विल बी एबल टू, सॉरी द जो फॉरेन डीएनए इट विल बी एबल टू एंटर इनटू द होस्ट सेल. ठीक है, ये तो हुए, ये तो हुआ फर्स्ट मेथड. ठीक है, अदर मेथड फॉर मेकिंग द सेल कॉम्पिटेंट या होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम और क्या यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर एनिमल सेल्स. ठीक है, इफ यू वांट टू मेक एनिमल सेल एज अ कॉम्पिटेंट होस्ट वी कैन यूज, आप देखो पेज नंबर 201 पे. ठीक है, वी कैन यूज माइक्रो इंजेक्शन. ठीक है, फर्स्ट वी कैन यूज माइक्रो इंजेक्शन. तो ये जो मेथड है ये किस में यूज कर रहे हैं हम, एनिमल सेल के लिए. ठीक है, तो बिल्कुल माइक्रो इंजेक्शन मींस जो सेल है उसके न्यूक्लियस में हम इंजेक्ट करेंगे. ठीक है, वी विल इंजेक्ट द डीएनए डायरेक्टली इनटू द
न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जैसे हम कभी किसी एग की बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, एग है सपोज, तो एग में जो उसका न्यूक्लियस है ना, एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, तो इसमें सीधे वी विल इंजेक्ट द डीएनए इन टू द न्यूक्लियस, तो ये होगा माइक्रो इंजेक्शन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड मैथड जिसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन, जीन गन, तो दिस मैथड कैन बी यूज इन प्लांट सेल, ठीक है, इट विल बी यूज इन प्लांट सेल। अब ये जीन गन जो है इसको कैसे यूज करेंगे, एक तरह से ये बुलेट का काम करेगी, ठीक है, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 201, तो इट इज, दिस मैथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स एंड इट इज बॉम्बार्डेड, ये क्या करते हैं डीएनए को गोल्ड फॉइल या प्लैटिनम फॉइल के ऊपर, गोल्ड या टंगस्टन की फॉइल के ऊपर इसको रैप कर देते हैं, तो डीएनए इज रैप्ड अराउंड द गोल्ड और टंगस्टन एंड देन इट इज बुलेटेड, मतलब इसको बहुत हाई स्पीड से इसको बुलेट किया जाता है, द स्पीड इज अराउंड 1400 है ना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको भेजते हैं, एंड दिस स्पीड इज शुड बी एक्यूरेट, अगर इससे कम हुआ तो वो न्यूक्लियस के बाहर ही रह जाएगा, ठीक है, तो द स्पीड शुड बी प्रॉपर, तो हाई स्पीड से इट इज बुलेटेड एंड देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द प्लांट सेल, तो दीज आर द डिफरेंट मैथड्स विच वी कैन यूज फॉर मेकिंग द होस्ट कॉम्पिटेंट, ठीक है, तो ये हमने देखा, अब बुक में कुछ मार्क कर लेते हैं, तो एज आई टोल्ड यू डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, इट कैन नॉट पास थ्रू द मॉलिक्यूल्स, सो इट इज मेड कॉम्पिटेंट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटमेंट, जैसे मैंने पहले बताया डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, एंड देन इट इज केप्ट इन द आइस देन ऑन 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आप अंडरलाइन भी कर लो, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, एंड विल बी राइटिंग वन क्वेश्चन ऑल्सो हियर, सो द पहले आइस पे देन 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड बैक ऑन द आइस, देन सेकेंड मैथड वॉज माइक्रो इंजेक्शन, दैट मीन्स एलियन डीएनए को हम होस्ट सेल में डालेंगे विद द मैथड इज माइक्रो इंजेक्शन, एंड ये एनिमल सेल में हम यूज करते हैं तो ये डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाता है, सेकेंड इज बायोलिस्टिक गन, बायोलिस्टिक या जीन गन इन विच सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, कोटेड विद डीएनए, तो दीज आर द टू डिफरेंट मैथड्स, नाउ राइट वन क्वेश्चन हियर, पेज नंबर 201 पे क्वेश्चन लिखे, राइट डाउन द डिफरेंट वेज टू इंट्रोड्यूस अ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इन टू अ बैक्टीरियल सेल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो एक बार फिर बोल रही हूँ मैं क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंट वेज टू इंट्रोड्यूस अ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इन टू अ बैक्टीरियल सेल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दीज आर द डिफरेंट मैथड्स, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज we will see the processes of recombinant DNA technology. तो क्या different processes हैं वो हम देखते हैं, तो as we are aware, हम बहुत देर से हम पूरा chapter में हम यही बात कर रहे हैं recombinant DNA technology, recombinant DNA technology. तो what are the different steps? तो आप पहले steps mark कर लीजिए, then we will take these steps one by one. तो the different steps are like this. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, नंबर वन आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर एंड देन ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, देन द कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो ये सारा जब कंप्लीट होगा देन दैट मीन्स आर रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटेड. Now let us see how can we isolate the genetic material. अब हमारा genetic material कौन सा है बच्चों, DNA. DNA is the main genetic material of our cell या of our body. अब किसी भी cell में DNA के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी cell membrane है, different cell organelles हैं, RNA है, proteins हैं, and a number of things are present in the cell. And what we want only the DNA. तो हम सिर्फ DNA तक कैसे पहुंचेंगे ये चीज हम समझते हैं. So let us begin with the different things, जो जो चीजें सेल में प्रेजेंट है. तो बच्चों पेज नंबर 201 पे ही हम, तो वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल वो देख लेते हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू
रिमूव देम. तो किसी भी सेल में जब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इट हैज़ डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना. इट मे हैव प्रोटीन्स ऑल्सो, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड्स होंगे, ठीक है. एंड इट डिपेंड कि भाई वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. डिपेंडिंग ऑन दिस डिफरेंट थिंग्स विल बी देयर. सपोज आरएनए है, उसको भी रिमूव करना है, ठीक है. तो डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी रिमूव्ड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सपोज फंगल सेल है, ठीक है, इफ द सेल इज फंगल, तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की. तो वी हैव टू रिमूव दिस काइटिन. तो इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम काइटिनेज, ठीक है. काइटिनेज एंजाइम वी विल नीड टू रिमूव द सेल वॉल ऑफ फंगस. नंबर टू, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के लिए, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो वी विल नीड सेल्यूलेज एंजाइम टू रिमूव सेल्यूलोज, ठीक है. इस तरह से अगर प्रोटीन है, वी वॉन्ट टू रिमूव द प्रोटीन, तो वी विल नीड एंजाइम प्रोटीएज. तो दीज सब्सटेंसेज विल बी रिमूव्ड या डाइल्यूट हो जाएंगे ये, ठीक है. सिमिलरली बैक्टीरियल अगर सेल है, इफ द सेल इज बैक्टीरियल, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए वी नीड द एंजाइम लाइसोजाइम. So you have to remember all these names of the enzyme which we are going to use. Aise if we want to remove RNA, theek hai, to ribonuclease. So depending on the cell which we are using for it, ye enzymes will work for it. Okay. Now let us mark the points in the book. So you mark these enzymes, lysozyme, cellulase and chitinase, na, ye jo ki kaam mein aayenge. Now when we reach to the DNA, humne ye sab remove kar diya, ab hum DNA tak pahunch gaye hain, to DNA jo bhi ab hamare paas bacha hai, basically genetic material bacha hai, it will be treated with chilled ethanol, theek hai. It will be treated with chilled ethanol and we will be able to isolate DNA from the cell, theek hai. To hamara first jo step tha रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इट वॉज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो इन दिस वे वी कैन आइसोलेट द डीएनए. नाउ वी विल कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाउ कैन वी गेट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैथड पढ़ा था, जिसके थ्रू वी कैन, वी सॉ दैट जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, एग्रोस जेल के साथ उसको ट्रीट करेंगे एंड इट इज गिवन इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट. तो क्या होगा, डीएनए विल, द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है. एंड दिस वी कैन, इन दिस वे वी कैन गेट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है. फ्रेगमेंट्स मिल गए, इसके बाद वी हैव टू जॉइन द फ्रेगमेंट्स. तो जॉइन करने के लिए हम, वी नीड डीएनए लाइगेज एंजाइम. नाउ विल सी, जब हमें डिजायर्ड डीएनए मिल गया है, नाउ वी नीड टू एम्प्लीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट. दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन्स. जो भी डी एन ए हमें मिला है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है. तो विल सी हाउ कैन वी डू इट. तो लेट सी किस तरह से जीन का एम्प्लीफिकेशन हो सकता है. कम ऑन पेज नंबर 202. दैट मीन्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन. That means we are going to increase the number of genes जो हमें मिले हैं, जो desired gene है उसको increase करना है. That means main thing what we are going to do in this is polymerase chain reaction. Polymerase मतलब we are going to increase the number, ठीक है, और एक chain reaction चलेगी with the help of which we will get the multiple copies. So this is known as polymerase chain reaction, PCR भी कहते हैं इसको, ठीक है. अब इसमें क्या करना है हमें, सपोज वी हैव अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक. तो व्हेन वी टॉक अबाउट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये इसका 5 प्राइम एंड
तो 3 प्राइम एंड इसका है ये, एंड दिस इज द अनादर स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड इज। दीज आर द बेसिस जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से ये बेसिस बने हुए हैं। नाउ सी द फर्स्ट स्टेप इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इज डी नेचुरेशन। क्या है फर्स्ट स्टेप? डी नेचुरेशन। डी नेचर करना है उसका मीन्स वी हैव टू डी नेचर। तो हम वी विल अप्लाई हीट ओवर इट। इसमें हम क्या यूज करेंगे? हीट की मदद से इसको डी नेचर करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई हीट। नाउ विद द हेल्प ऑफ हीट क्या होगा? इट विल बी डी नेचर्ड, बट ज़्यादा हीट नॉर्मली कोई सा भी डीएनए टॉलरेट नहीं कर सकता। नाउ द सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग। अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस वन स्ट्रैंड। ठीक है, अब एनीलिंग में हम वी विल रिक्वायर टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स। क्या चाहिए हमें? प्राइमर्स। वी नीड टू सेट्स ऑफ प्राइमर टू मेक द कॉपी ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है तो वी विल नीड प्राइमर। एक प्राइमर हम यहां अटैच कर देंगे एंड दिस इज द अनादर स्ट्रैंड। तो अनादर प्राइमर विल बी अटैच्ड ऑन द अनादर साइड। तो ये दोनों क्या हैं? प्राइमर्स। नाउ प्राइमर विल स्टार्ट द मेकिंग कॉपी ऑफ दिस डीएनए। ठीक है, तो दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। सिमिलरली ये 3 to 5 है तो ये 5 to 3, ये जो दूसरा स्ट्रैंड बनने वाला डीएनए रेप्लिकेशन में। क्लियर? तो इन दिस वे ये दिस इज कॉल्ड एनीलिंग। ठीक है, ये एक्सटेंड होता जाएगा, द प्रोसेस विल एक्सटेंड एंड दिस प्राइमर विल हेल्प इन द मेकिंग कॉपी ऑफ दिस वन स्ट्रैंड। तो एट द एंड क्या मिलेगा हमें? वी विल गेट द टू कंप्लीट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, एंड में हमें दो कंप्लीट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मिल जाएंगे। दैट मीन्स वी गॉट वन कॉपी ऑफ डीएनए। इन दिस वे ये एम्प्लीफिकेशन में सिर्फ हमें एक ही कॉपी थोड़ी चाहिए, वी नीड अ नंबर ऑफ कॉपीज। तो बिलियन कॉपीज, 1 बिलियन कॉपीज अराउंड हमें मिल जाती है। नाउ वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे वो हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, दे डू नॉट वर्क। तो द मेन एंजाइम हेयर वी आर गोइंग टू यूज इज टैक पॉलीमरेज। क्या यूज होगा? टैक पॉलीमरेज। तो टैक पॉलीमरेज जो एंजाइम है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, अब ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सके। तो वी आर टेकिंग वन बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। तो उस बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखना है आपको, इट इज थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, दिस इज द बैक्टीरिया विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, इट इज गिवन ऑन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 203। तो दिस एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया विच इज नोन एज थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, नाउ लेट्स मार्क इन द बुक, यू कैन सी द डायग्राम विच आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ कि अबाउट 30 साइकल्स हमने देखा कि वी कैन रन 30 साइकल्स और वी विल गेट अ बिलियन टाइम्स, बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन विट्रो, दैट मीन्स लेबोरेटरी में ये सारा प्रोसेस परफॉर्म होता है। एंड द थिंग्स वी नीड इज द फर्स्ट स्टेप था डी नेचुरेशन, देन वी नीड टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स विच आर केमिकली सिंथेसाइज। ये क्या होते हैं? एक्चुअली ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं विच आर केमिकली सिंथेसाइज एंड दे विल हेल्प इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे एंड अराउंड 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। अब नाउ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी प्रॉपरली इज कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, वी नीड डीएनए, किस तरह का पॉलीमरेज चाहिए? थर्मोस्टेबल, दैट मीन्स विच शुड बी एबल टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर ऑल्सो। तो दिस पॉलीमरेज एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम, मार्क कर लो ये नाम, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डी नेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो उसको डी नेचर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को स्प्लिट करने के लिए हमें ये एंजाइम की, मतलब वी नीड टू ट्रीट इट विद द हाई टेम्परेचर विच जो जिसमें ये टैक पॉलीमरेज विल वर्क। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट।
इंसर्ट करवाना है हमें डीएनए को, हमने इस चीज के बारे में पढ़ा है सिलेक्टेबल मार्कर. व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर? सिलेक्टेबल मार्कर वो होते हैं जो विच टेल अस या विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड जो ऑर्गेनिज्म है या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है. तो जिसमें हम डीएनए अगर ऐड करवा चुके हैं, वी हैव इंसर्टेड द डिजायर्ड डीएनए, तो वो क्या बन जाता है? ट्रांसफॉर्म्ड बन जाता है. दैट मीन्स विच हैज एक्सेप्टेड, जो हमारा डिजायर्ड जीन था उसने, जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है. जैसे हमने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के केस में पढ़ा था, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमने लिया था एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ई कोलाई, तो होस्ट सेल कैसा बन जाएगा? ट्रांसफॉर्म्ड बन जाएगा. नाउ इफ यू विल पुट दिस सेल इनटू द एम्पिसिलिन, तो क्या होगा? इट विल रिमेन लाइव, वो मरेगा नहीं उस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी. तो ये क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड. एंड दोज हु हैव नॉट एक्सेप्टेड द डीएनए, जिनमें वो चेंज नहीं आया, वो नॉन ट्रांसफॉर्म कहलाएंगे. तो वी नीड सिलेक्टेबल मार्कर. तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर. सो लेट्स सी द लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. तो हमने अभी तक जितना भी जो भी प्रोसेसेस यूज किए हैं, आफ्टर दैट व्हाट वी नीड दीज डीएनए इन द लार्ज स्केल, ऑन द लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, सो दैट दे कैन बी यूज्ड प्रॉपरली. ठीक है. तो इफ़ वी इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू द क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट टू द कोई बैक्टीरियल सेल है, एनिमल सेल है या कहाँ पे भी है, तो द डीएनए शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट वी गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट डीएनए. ठीक है. तो देयर इज अ नीड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड. अब एक्सप्रेशन कब होगा? जब वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे. तो दैट मीन्स वी विल रिक्वायर हेयर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? इसको मार्क करो बच्चे. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज अ प्रोटीन, है ना, कि इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटरोलॉगस होस्ट, इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? कोई भी प्रोटीन अगर एनकोड करता है किसी हेटरोलॉगस होस्ट में, किसी एक्सप्रेशन को, किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, तो दैट प्रोटीन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. ओके. देन नाउ वील सी कि कैसे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डीएनए या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी ऑब्टेन्ड. तो इसके लिए वी विल नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बायोरिएक्टर्स. ठीक है. ऑन द लार्ज स्केल या कमर्शियल स्केल पर जब हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए, है ना, वेदर इट इज़ कोई एंजाइम है, कोई मेडिसिन है, या कोई डेली यूज में आने वाला कोई भी प्रोडक्ट है, तो वी नीड इट इन लार्ज नंबर. तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट. सो टू इंक्रीज द लार्ज इन लार्ज क्वांटिटीज वी विल यूज बायोरिएक्टर्स. ये एक बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, दीज आर द लार्ज वेसल्स वेयर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड. तो वॉट वी नीड, इनको हम कहते हैं बायो रिएक्टर्स. तो बायो रिएक्टर्स कैन बी थॉट एज वेसल्स इन विच रॉ मटीरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इंटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स हैं या वॉट एवर. ठीक है. यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं. एंड दीज बायो रिएक्टर्स प्रोवाइड, क्या क्या इसमें हमें कंडीशंस मिलेंगी? तो ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस. नाउ व्हाट आर दोज ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस? जैसे कि प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन एंड ऑक्सीजन. नाउ हियर वी विल सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स. वो देखते हैं हम कौन से दो टाइप के रिएक्टर्स हैं. तो दीज टू टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स आर, फर्स्ट इज स्टिर्ड टाइप. ठीक है. स्टिर्ड टैंक बायोरिसेप्टर बायोरिएक्टर. एंड द सेकेंड इज स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम? इसमें तो देखो एजिटेटर लगा है, हेयर इज ऑल्सो एजिटेटर इज ऑल्सो देयर, बट यहाँ पे एयर अंदर इस तरह से नहीं जा रही है, यहाँ पे आपको एयर बबल्स नजर आ रहे हैं. तो दीज एयर बबल्स कैन बी सीन बिकॉज हेयर एक ये एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया गिवन है यहाँ पे. तो ड्यू टू दिस इज कॉल्ड स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर.
नाउ हाउ दिस बायो रिएक्टर वर्क ये देख लेते हैं हम. अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, वन क्वेश्चन राइट डाउन ऑन पेज नंबर 204, नेम टू कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स. ठीक है, तो टू कॉमनली बायो रिएक्टर्स ये दिख रहे हैं आपको, दीज आर द टू बायो रिएक्टर्स. नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टर्ड टैंक रिएक्टर. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएक्टर होता है वो है स्टर्ड टैंक रिएक्टर एंड इट इज यूजुअली सिलेंड्रिकल. ये कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल रहता है एंड इट्स बेस आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका बेस कैसा है? कर्व्ड है. ठीक है, इट्स बेस इज कर्व्ड, तो इट इज सिलेंड्रिकल विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट. जो भी हमने उसमें कंटेंट डाला है उनको आसानी से मिक्सिंग हो जाए. नाउ द स्टिरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. यहाँ पे अलग अलग वो एंट्रीज दी हुई है फ्रॉम वेयर वी कैन कंट्रोल द ऑल दीज थिंग्स. Alternatively, air can be bubbled through the reactors. ठीक, now the important thing कि bioreactor में क्या क्या चीज़ें हैं. An agitator system means it will be mixing it properly, an oxygen delivery system and a foam control system, a temperature control system, pH control system and sampling port. Sampling port से क्या होगा? The sampling port will help us to चेक द सैंपल कि वेदर द प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली रेडी और नॉट, तो सो दैट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी विदड्रॉन पीरियोडिकली. ठीक है, नाउ व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी इट इज सेंड टू द मार्केट या उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. बट बिफोर सेंडिंग इट टू द मार्केट एक और प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं, दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. नाउ वॉट वी विल बी डूइंग इन दिस कि बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग फिनिश प्रोडक्ट द प्रोसेस इंक्लूड टू स्टेप्स. दो स्टेप्स इसमें और अभी करने बाकी हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन. जिसमें क्या होगा, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्मुलेटेड, मीन्स सपोज कोई जूस है, कोई सिरप टाइप से, तो दे विल बी एडेड प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड करेंगे सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड. ठीक है, तो दिस इज वॉट उसको प्योरिफिकेशन होगा, उसका सेपरेशन होगा एंड सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू गो undergo through chemical trials also. Clinical trials, that means उसको बहुत सारे trial करेंगे so that ऐसे नहीं हो कि market में अगर कोई चीज़ पहुँच जाए और वो किसी को कुछ नुकसान पहुँचाए. तो in case of drugs, जैसे दवाइयाँ जो होती हैं, medicines होती हैं, they are done with the clinical trials. Then strict quality control testing for each product is also required. उसका पूरा quality control देखा जाता है. So the last step was downstream processing. जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल और उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड करने हो तो ये सब देखा जाता है. सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ओके, सो कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, गुड बाय.